हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस पिका कार्ड रीडिंग में आपका स्वागत है। तो आज का जो पिका कार्ड क्वेश्चन है वो है कि क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या उनका कोई कॉल या मैसेज आएगा आपके पास। तो ये तीन कलर्स हैं, रेड, पर्पल एंड पिंक। तो आपको जो भी रेजोनेट करता है आप उसे सिलेक्ट करिए और हम शुरू करेंगे रेड से, देन पर्पल, देन पिंक। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो जिन्होंने ये रेड लिप बाम चूज़ किया है या लिपस्टिक चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये एंजल आंसर ओरेकल कार्ड्स है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले से चूज़ करके नहीं रखी हूँ, मैं अभी आपके सामने ही चूज़ कर रही हूँ कि जो आपके पर्सन हैं क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने ये रेड लिपस्टिक चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ एंजल्स कार्ड भी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड माय हायर सेल्फ, ऑल माय रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। थोड़ा टाइम लग रहा है पर एंजल्स का आंसर आने वाला कि आपके पर्सन क्या आपसे कम्युनिकेट करेंगे जिन्होंने रेड लिप बाम चूज़ किया है, या उनके पार्टनर उनसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इसमें हम एक ही कार्ड निकालेंगे। अब देखते हैं रोमांस एंजल में क्या, जिन्होंने ये रेड लिप बाम चूज़ किया है क्या उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे। कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ, ऑल माई रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये है प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स भी कर लेते हैं। जिन्होंने रेड लिप बाम चूज़ किया है, सॉरी, या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड हायर सेल्फ, सो ऑल माई रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें मैं सिक्स कार्ड लूँगी, 3, 4, 5 और ये है टैरो से भी कर लेते हैं। जिन्होंने रेड लिप बाम चूज़ किया है क्या उनके पर्सन जिस पर्सन के बारे पूछ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे। आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड माय हायर सेल्फ सो दैट ऑल द रीडिंग्स विद माय कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड माय हायर सेल्फ। तो चलिए अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो एंजल से आंसर आया है, लुक फॉर अ साइन। रोमांस एंजल में आया है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद यू। और टैरो में आया है द टावर, द स्टार एंड पेज ऑफ वॉर्ड्स। और प्लेइंग कार्ड्स में आया है सिक्स ऑफ डायमंड्स, फाइव ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ हार्ट, फाइव ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड एंड टू ऑफ स्पेड। तो हम रीड करते हैं, चलिए। तो लुक फॉर अ साइन, हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली बात ना कर पा रहे हों बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आपको साइन लैंग्वेजेस में वो बात कर रहे हैं। जैसे कि वो आपके फेवरेट कलर का शर्ट पहन रहे हैं, या आपके आपको जो पसंद है सोशल मीडिया में ऐसा कुछ मैसेज, ऐसा कुछ मैसेज शेयर कर रहे हैं, जैसे जो आप को पसंद हो उस तरह की कोई बातें कर रहे हो, क्योंकि वो शायद आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद हिचकिचा रहे हैं किसी वजह से। हो सकता है कि उनके और आपकी कोई ऐसी
लड़ाई हुई हो या कुछ ऐसे मनमुटाव हो गया हो जिसकी वजह से वो आपसे उन्होंने आपको कोई दिल दुखाया हो, इस वजह से वो आपको डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे, पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके प्यार में पैशन है, और वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, और उन्हें जैसे कि हम किसी को याद करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक गाना डेडिकेटेड होता है, उनके मन में भी इसी तरह आपके लिए गाना आता है। तो द स्टार कार्ड का मतलब है कि उनके अंदर, क्योंकि हम ये फीलिंग्स आपके पर्सन के बारे में जान रहे हैं, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो उनका देखिए हाँ इमोशंस वाटर से रिलेटेड है, और वाटर साइन भी हो सकते हैं, ये एक्यूरियस भी हो सकते हैं, और जिनका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी हो सकते हैं, तो या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और स्टार साइन का मीन्स है कि आपको जो ये पर्सन है काफ़ी इमोशनल हैं और आपसे इनके काफ़ी इमोशनल इमोशनल अटैचमेंट है, जैसे कि पैशन कार्ड से भी दिख रहा है साफ साफ। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स है आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हो सकता है आपको इनसे तुरंत कुछ ये हिम्मत जुटा के आपसे माफ़ी मांगे और फिर ये आपसे आपको कोई मैसेज करे, कोई मैसेज आने वाला है आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास आने वाला है। हो सकता है कि ये साइंस के थ्रू आपसे जो साइन लैंग्वेज है उससे आपसे बात करे हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको कलर्स के थ्रू जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो शेयर करके या इस तरह से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हूँ। तो एस हमें किंग ऑफ हार्ट्स भी मिला है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये पर्सन है उस बहुत ज़्यादा प्यार में है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, और पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, मतलब कि कम्युनिकेशन ठीक तरीके से हो नहीं पाया, वो अपने फीलिंग्स आपको ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसा इन कार्ड्स में लग रहा है। तो जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है और आप इनसे अलग, आपको लगा कि इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भी पीछे शायद हट गए, पर अब ऐसा नहीं है सिनेरियो, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी ये रेड लिप बाम चूज़ किया है तो उनके लिए रीडिंग यस है, और आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं और वो आज नहीं तो कल वो आपको मैसेज करेंगे, और हो सकता है डायरेक्टली ना करें, अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, और उनके लिए बहुत ये हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा कि, या हो सकता है आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा हो, ये कुछ हुआ हो ऐसा जिसके वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया हो, पर उसके ये ब्रेकअप होने के बाद उनके दिल में या ऐसे वाला एहसास आया हो कि वो आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, ये स्टार कार्ड ये बता रहा है। और साथ में हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी ये किंग ऑफ हार्ट विथ फाइव ऑफ हार्ट, उनकी ये विशेस है कि वो आपसे दोबारा कम्युनिकेट करे और प्यारी प्यारी बातें करे। तो जो आप जिन्होंने ये रेड लिप बाम चूज़ किया है तो उनके लिए आंसर यस है, उनके पर्सन उनसे कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये पर्पल लिप बाम चूज़ किया है। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ पर हम एंजल आंसर ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो जिन्होंने पर्पल लिप बाम चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे? सो आई कॉल अपॉन माय एंजल, या पार्टनर या जो पर्सन इसके बारे में पूछ रहे हैं, आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड माय हायर सेल्फ सो दैट ऑल माय रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन्होंने भी ये पर्पल लिप बाम चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे? जिन्होंने भी ये पर्पल लिप बाम चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे? जिन्होंने भी ये पर्पल लिप बाम चूज़ किया है, क्या
या उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे। उन्हें पर्पल लिप बाम चूज किया है, क्या उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करेंगे? रोमांस एंजल में देखते हैं क्या आता है। जिन्होंने पर्पल लिप बाम चूज किया है कि इनके पार्टनर या जो पर्सन के पूछ रहे हैं क्या वो उनको कांटेक्ट करेंगे। इसके बारे में पूछ रहे हैं पर्पल लिप बाम जिन्होंने चूज किया है क्या उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने पर्पल लिप बाम चूज किया है उनके पार्टनर से कांटेक्ट करेंगे। ग्रीन कार्ड्स में देख लेते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने ये पर्पल लिप बाम चूज किया है क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ तीन कार्ड्स निकल चुके हैं, हम और तीन ले लेते हैं और टैरो से भी देख लेते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने पर्पल लिप बाम चूज किया है क्या उनके पर्सन जिस पर्सन पर पूछ रहे हैं वो उनको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा रीडिंग आ गया है। जो एंजल आंसर में आया है वो आया है रिकंसीडर। रोमांस एंजल में आया एंगेजमेंट और प्लेइंग कार्ड्स में आया है जैक ऑफ हार्ट, टेन ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ डायमंड और जैक ऑफ स्पेड, एट ऑफ क्लब्स और सिक्स ऑफ स्पेड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स इसमें है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो शायद आपसे कांटेक्ट ना करे क्योंकि हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो, मीन्स वो इस रिलेशनशिप में और नहीं है। शायद हो सकता है आपके एक्स हो जिनकी या किसी और से एंगेजमेंट हो चुकी है या हो सकता है वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है। और एंजल्स का आंसर है कि रिकंसीडर, तो आपको दोबारा ये इंसान आपके लायक भी है या नहीं आपको ये दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है इन प्लेइंग कार्ड से भी लग रहा है कि इस पर्सन या इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुका है और ये वेट भी नहीं कर रहा है, ये आपका मतलब मींस कि ये इंतज़ार भी नहीं कर रहा है किसी आपका क्योंकि ये इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुका है। और इसमें जैसे जैक ऑफ हार्ट और जैक ऑफ डायमंड आया है तो जैक ऑफ हार्ट का मीन्स है जो पर्सन शायद ये आप हो सकते हैं वो हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप काफ़ी इनसे प्यार में हैं पर ये इस रिलेशनशिप को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये टेन ऑफ स्पेड और एट ऑफ क्लब्स की तरफ देख रहे हैं। देखिए तो इसका मतलब ये हो सकता है आप लोग जो भी ये पर्सन पूछ रहे हैं ये दोनों बहुत यंग हो सकते हैं क्योंकि जैक हमेशा यंग पर्सन को डिनोट करता है, काफ़ी कम एज के हो सकते हैं आप लोग। तो टेन ऑफ स्पेड और
इसका ध्यान ज़्यादातर इसके शायद वर्क में है, या इसको लग रहा है कि इसको इस जो जो भी ये काम कर रहे हैं उनमें ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, या किसी काम से रिलेटेड ये बहुत परेशान है, जो ये पर्सन है ये काम से रिलेटेड होके बहुत परेशान है शायद, या हो सकता है कहीं ट्रैवल गए हो, कहीं गए हुए हो, या ऐसा भी लग रहा है कि ये परेशान है अपने वर्क प्लेस को लेकर, जिसकी वजह से ये अभी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि ये अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट में है, ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनको अभी क्या करना चाहिए, इन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या हो सकता है इनको लगता है कि नहीं पता आप इनका वेट कर रहे होंगे या नहीं, और ऐसा भी लग रहा है बार बार कि ये या तो एंगेज्ड हो चुके हैं या आप एंगेज्ड हो चुके हैं, तो ये उस इस रिलेशनशिप को मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कार्ड से लग रहा है। और बाकी ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि ये कांटेक्ट शायद ना करें। तो जिन्होंने आप ये पर्पल चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो एंजल्स का जो आया है रिकंसिडर, मींस आपके लिए और भी अभी अच्छे मौके आएंगे, अच्छा शायद ये पर्सन आपके लिए सही ना हो, शायद और भी आपके लाइफ में आएंगे, या हो सकते हैं ये भी हो सकता है कि ये काम की वजह से परेशान हो और उसके बाद ये जब ये सॉल्व कर ले सारे सिचुएशन को तो शायद तब ये आए। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये इनको समाज की भी चिंता है, कहीं ये दूसरे, हो सकता है कि ये दूसरे रिलीजन में शादी नहीं करना चाहते, दूसरे कास्ट में शादी नहीं करना चाहते, तो ये समस्या भी लग रहा है, इसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप से पीछे हटने का फैसला लिया होगा। और इसमें क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं आ रहा है, ये कम्युनिकेशन अभी आपका तो फिलहाल नहीं होगा, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये पर्पल लिप बाम चूज़ किया है। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये बेबी पिंक लिप बाम चूज़ किया है। तो पहले हम एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या आता है। तो आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ दैट ऑल रीडिंग्स विद दिस कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन्होंने ये पिंक लिप बाम चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, उनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकर कोई और कार्ड निकलता है। ओके, तो एक कार्ड हमें मिला है रोमांस एंजल में, देख लेते हैं। जिन्होंने पिंक लिप बाम चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, हमें ऑलरेडी एक कार्ड मिल चुका है वेडिंग, हमारे चूज कर लेते हैं अगर आता है तो। ओके, अब प्लेइंग कार्ड से कर लेते हैं। या जिन्होंने पिंक लिप बाम चूज किया है, क्या उनके पर्सन उनको कांटेक्ट करेंगे,
इन्होंने पिंक लिप बाम चूज किया है क्योंकि पर्सन इनको कॉन्टेक्ट करेंगे, इन्होंने पिंक लिप बाम चूज किया है क्योंकि पर्सन इनको कॉन्टेक्ट करेंगे, इन्होंने पिंक लिप बाम चूज किया है क्योंकि पर्सन इनको कॉन्टेक्ट करेंगे। टैरो से कर लेते हैं। जिन्होंने पिंक लिप बाम चूज किया है क्योंकि पर्सन उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, तो हमें एंजल आंसर से मिला है लिसन टू योर इंट्यूशन, और रोमांस एंजल से मिला है वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ मैरिज, टू ऑफ डायमंड्स, सिक्स ऑफ क्लब्स, टू ऑफ क्लब्स, फोर ऑफ स्पेड, टू ऑफ हार्ट, फोर ऑफ डायमंड, ओके। और हमें मिला है लवर्स, एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स। देखते हैं आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि नहीं। तो मुझे ओवरऑल इन कार्ड से लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि एंजल्स के आंसर में आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपका आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो जानती है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं और आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। हो सकता है ये सिचुएशन आप ऑलरेडी मैरिड हो, या जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो मैरिड हो या आप मैरिड हो, ये हो सकता है। और जैसे कि हमें प्लेइंग कार्ड्स में मिला है कि किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन चल रहा है, और आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी स्टेबल टाइप की हैं, फीलिंग्स काफ़ी अच्छा आपको दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लग रहा है। और जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है तो मुझे लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सिक्स ऑफ क्लब्स और टू ऑफ हार्ट्स इसी तरफ इशारा करता है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा। बट जैसे कि टू ऑफ डायमंड और फोर ऑफ स्पेड है, तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा आप, या हो सकता है आप, आपके जो पार्टनर हैं वो शायद इल हों, बीमार हो, या ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, ये भी हो सकता है। पर जहाँ तक उनके फीलिंग्स का सवाल है, वो आपको एम्प्रेस के तरह सोचते हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जेमिनी हो या लिब्रा हो, ऐसा लग रहा है, और वो आपको काफ़ी एक एम्प्रेस की तरह सोचते हैं, जो कि मतलब उनके नज़रों में आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हैं कि जो उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, जो कि जो आप में फेमिनाइन एनर्जी है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, और जो आप में एक क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी, वो भी उनको पसंद है। तो हो सकता है ये इसी पर्सन से आपकी मैरिज हो, कोई सेलिब्रेशन लग रहा है, जैसे इसी पर्सन से आपकी कुछ बात होगी फिर मैरिज होगी। और जैसे कि किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स भी ये डिनोट करता है उस पर्सन के बारे में जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आपसे, बहुत प्यार करता हो,
हो सकता है आप इन्हीं या आपके पार्टनर ही हो, आप हस्बैंड वाइफ ही हो, पर किसी रीज़न से शायद वो काम में गए हो, मीन्स आउट ऑफ कंट्री गए हो, जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही हो, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने काम के वजह से या किसी पार्टीज किसी मतलब इन चीज़ों के वजह से वो डिप्रेस्ड हो या इल हो। तो लवर्स कार्ड का भी यही मतलब है कि आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये यहाँ जो रोमांस है वो बहुत इंटेंस रोमांस है। आप दोनों अच्छे पार्टनर्स हो और हो सकता है ये आपके सोलमेट हो या ट्विन सोल हो, ऐसा लग रहा है। तो आप वो कुछ भी करने को तैयार हैं जो जिससे आपका ये रिलेशनशिप वर्क करे। तो आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और इनसे इन कार्ड से यही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। तो ये था पिंक लिप बाम जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग। उनके लिए रीडिंग ये है, पॉजिटिव है, यस है। कुछ अभी वो डिप्रेस्ड हैं किसी रीज़न से, शायद काम के रीज़न से या बीमार हैं शायद, ये भी हो सकता है। पर एक सेलिब्रेशन है, कुछ गैदरिंग होगी, इस तरह का कार्ड्स में आ रहा है। शायद वेडिंग, शायद आप दोनों वेडिंग में मिलने वाले हैं, वेडिंग में बात करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। वहाँ से आपकी बात होगी और एंजल्स का मैसेज है कि आपका इंट्यूशन ही आपको बता देता है कि ये पर्सन आपसे बात करेगा और आपको ये बहुत ही क्लियर है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और आपको प्यार करता है। तो ये था पिंक लिप बाम के लिए रीडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।